हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग ऑफ कलकत्ता ट्यूब। मैं हूं शबुज। आशा करते आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो कहाँ पे आया हूँ, येस आई एम बैक टू, और टुडे आई एम गोना शो यू एक्साइटिंग रेंज ऑफ कार्स। एज यू कैन सी, काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है, मेरा पीछे भी है, मेरा साइड में भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का गाड़ी का सफर। आई हैव विथ मी मिस्टर मनीष फ्रॉम एमिनेंट मोटर्स, द प्रोपराइटर। मनीष जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। काफी जच रहे हो? मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ एकदम। सो काफी जच रहे हो आप, लुकिंग वेरी हैंडसम। आपका सनग्लास भी काफी मस्त है। थैंक यू। एक दिन देना मुझे पहनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज क्या स्टॉक होगा? आज सभी तरह का मिक्स स्टॉक है। हैचबैक मिलेगा, सेडान मिलेगा, एमयूवी कैटेगरी मिलेगा, आपका एसयूवीज कैटेगरी में मिलेगा, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, जो हम लोग एज रीजनेबल प्राइस में अच्छी गाड़ियां जैसे कि हमेशा देते हैं वही देंगे। सो प्राइस चैलेंजिंग या रीजनेबल? चैलेंज क्यों करना, चैलेंज क्यों करना सबूत जी? यू कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, राइट? आलू बटर सेम सेम नहीं होता है, तो किसी से कंपेयर कुछ नहीं करना है। अपना गाड़ी है जो हमारी अच्छी क्वालिटी है, हम लोग अच्छी गाड़ियां देंगे रीजनेबल प्राइसेस के साथ, राइट? क्योंकि मेरा जो गाड़ी है, डेफिनेटली आप कहीं और पे वो गाड़ी सेम क्वालिटी का नहीं पा सकते हो, तो अब उनका क्वालिटी का होता मेरे पास अवेलेबल नहीं हो, तो हर एक गाड़ी का अपना एक फेस वैल्यू है। तो देखिए सर, क्वालिटी नहीं होगा तो कलकत्ता ट्यूब भी उधर नहीं जाएगा, आपको तो पता है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप दो सेकेंड हैंड गाड़ी को सेम मॉडल सेम वेरियंट का भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो प्राइस क्यों चाहिए, कैसे कंपेयर करोगे? सो आई थिंक दोस्तों, आपको ये ध्यान पे रखना होगा, एक गाड़ी का प्राइस डिपेंड करता है उसका क्वालिटी के ऊपर, और भी काफ़ी सारा फैक्टर्स होता है। ऐसा नहीं कि आप बिना गाड़ी देखे, बिना हमेशा मेरिट के ऊपर ही प्राइसेस डिपेंड करता है। कोई गाड़ी अगर 20,000 चला हुआ है उसका एक अलग प्राइस होता है, अगर सेम मॉडल सेम वेरियंट 70,000 चल जाता है उसका एक अलग प्राइसिंग होता है। तो आप कभी भी प्राइसेस कंपेयर दो गाड़ी के नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि किसी गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर का प्रॉब्लम है, शॉक एब्जॉर्बर में प्रॉब्लम है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या और कुछ में प्रॉब्लम है, बिल्कुल, तो गाड़ी जो कस्टमर है सस्ता में छोड़ेगा कि नहीं? वही बात है ना, कस्टमर का गाड़ी में प्रॉब्लम है तब कस्टमर लो प्राइस में गाड़ी छोड़ देता है। अगर कस्टमर का गाड़ी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, वो सब कुछ पेपर अपडेट है, वो क्यों सस्ता में छोड़ेगा? आप छोड़ोगे? आपके पास गाड़ी होने से आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो दिस इज अ चेन सिस्टम, इनको सस्ते में नहीं मिलेगा, ये सस्ते में कैसे देखेंगे? जब जब एक डीलर क्वालिटी ढूंढने जाएगा, वो प्रोक्योर करेगा कि हाँ क्वालिटी गाड़ी मुझे उठाना है, तो उसको क्वालिटी का प्राइस भी देना है। देखिए कस्टमर्स को मैं बताना चाहूंगा, डेली हमारे पास अराउंड 40 से 50 गाड़ी का फोटोज आता है, क्वेरीज आता है कि इसको सेल आउट में है। हम लोग हार्डली होता है तो उसमें से एक या दो सेलेक्ट कर पाते हैं, नहीं तो कभी कभी वो भी नहीं होता है। अगर हम लोग का क्वालिटी प्राइस और इसमें मैच नहीं करेगा तो हम लोग वो भी नहीं कर पाते। अब 50 गाड़ी में अगर हमको खाली भरने के लिए बेचना है तो हम तो 50 गाड़ी उठा के कुछ भी रेट में बेच सकते हैं। सो दोस्तों, कार मार्केट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा आसान नहीं है कि आप वीडियो में देखोगे एक प्राइस देख लिया बोल लिया कि बहुत मस्त है। गाड़ी कहीं से भी लीजिए, हमारे पास से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, पेपर वर्क सारा चेक करके लीजिए, गाड़ी का कंडीशन चेक करके लीजिए। जैसे सबूत भैया हैं, इनका भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खाली आउटलुक से दिखा सकते हैं गाड़ी, आपको उनका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा आप मैकेनिक लेके आइए जी, बिल्कुल, डीलरशिप पे आप गाड़ी चेक कराइए पहले, क्योंकि आप बाद में अगर कुछ आपके साथ कुछ होता है तो आप ना इनको ब्लेम कर सकते हैं ना डीलर को ब्लेम कर सकते हैं। गाड़ी का कंडीशन है, उसके साथ प्राइसिंग है, राइट? और जो कि हमेशा हम लोग भी बोलते हैं रीजनेबल प्राइस है, अच्छी गाड़ी है। तो चले मनीष जी, शुरू करते हैं आज का सफर। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, वंस अगेन वन मोर छोटा हैचबैक, बट अ वेरी पावरफुल हैचबैक, 1.2 लीटर पेट्रोल है ये? डीजल। डीजल है तो और भी टॉर्क ज़्यादा है, और भी पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा, माइलेज अच्छा है, 20 के ऊपर, 20-25 का माइलेज गाड़ी का है, और ऐसा गाड़ी है कि हिल स्टेशन में भी आराम से चल जाता एकदम, है एकदम एकदम, बहुत डिमांडेड गाड़ी है और बहुत पावरफुल गाड़ी है। फोर्ड के ऐसे भी सब गाड़ियाँ बहुत पावरफुल होता है, और देखने में छोटा है, रियर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। गाड़ी व्हाइट कलर में है, सबसे बड़ी बात, बहुत डिमांडेड कलर है इस सेगमेंट में, और गाड़ी जैसे कि आप देख रहे हैं स्पॉटलेस कंडीशन में गाड़ी है। गाड़ी में आपका इंटीरियर भी बहुत नीट एंड क्लीन गाड़ी है, डुअल टोन में इसका सीट कवर्स भी लगाया हुआ है। गाड़ी आपका 2012 का वेरिएंट मॉडल है, 2022 तक रोड टैक्स पे किया हुआ है। ओके। और आपका ESI वेरिएंट है डीजल में, और प्राइस भी इसका बहुत रीजनेबल आज देते हैं, 1,75,000 ओनली, 1,75,000 फोर्ड फिगो। बिल्कुल।
हॉट सेलिंग। 2011 का गाड़ी है, 2021 में इसका टैक्स ड्यू है। और जैसा कि देख सकते हैं ये 5 सीटर एसी गाड़ी है, इसमें आपका एक एक्स्ट्रा सीट एडिशनल लगाया हुआ है। तो गाड़ी आपका जैसे कि देख सकते हैं फॉटलेस कंडीशन में है, कंडीशन अच्छा है गाड़ी का, चला के भी मैकेनिकली टाइट गाड़ी है। और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको आज देने वाला हूँ, 1,65,000। तो दोस्तों टोयोटा का एटियोस और एटियोस व्हाटएवर यू से काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी ये भी है सेडान में, अपने सेगमेंट में बहुत पावरफुल गाड़ी है। और टोयोटा का ब्रांडिंग होने के कारण बहुत ट्रस्टवर्दी गाड़ी हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं इसका एक अलग ही कस्टमर बेस है और गाड़ी अपना अलग डिमांड मांगता है। और गाड़ी मिलता भी कम है यूज कार मार्केट में, हमारे पास हम हमेशा ही हम एटियोस दिखाते हैं और एटियोस बहुत जल्दी भी सेलिंग हो जाता है, बहुत जल्दी बुक हो जाता है एटियोस वगैरह। और गाड़ी शैम्पेन कलर में है, गाड़ी आपका बहुत ही अच्छा कंडीशन में भी है, पेट्रोल होने की वजह से और भी एकदम साउंडलेस इंजन है गाड़ी, और भी अच्छी कंडीशन में है। ओके जी, 2014 का गाड़ी है, 24 तक इसका भी रोड टैक्स पे करके देंगे कस्टमर को। पेट्रोल वेरिएंट है आपका, इसका हमारा आस्किंग प्राइस होने वाला है 3,10,000। Fantastic, I think a sedan car like Toyota Etios, 3,10,000, it's a very very challenging price. तो दोस्तों आप सभी का हॉट फेवरेट और क्या बोलूं मैं, वो भी नया शेप पे डिजायर जी। सो काफ़ी जच रहा है, काफ़ी चमक रहा है, द कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, डिमांडेड कलर है, सिल्वर कलर में गाड़ी है, क्रोम अलॉय दिया हुआ है इसमें, क्रोम के साथ इसको और एक अलग गेटअप आ रहा है,
गाड़ी एज यूजुअल स्विफ्ट डिजायर है, तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। VXI वेरिएंट है, पेट्रोल में है। ओके। अंदर सीट कवर वगैरह सब इंस्टॉल किया हुआ है, नीट एंड क्लीन इंटीरियर है पूरा। ज़्यादा कुछ फीचर्स होते नहीं है स्विफ्ट डिजायर है, बट ट्रस्टेड गाड़ी है एकदम। अपने इंजन क्वालिटी हो चाहे माइलेज हो, पेट्रोल में इसका माइलेज अराउंड 16-17 का सिटी में दे देता है, तो काफी रीजनेबल और काफी वेल मेंटेन। डिजायर का कोई सेट कस्टमर बेस होता है? जी बिल्कुल, मारुति का अपना एक कोई गाड़ी रहता है, मारुति का ही अपने कस्टमर बेस है। राइट। अब 2019 का गाड़ी है एंड का। ओके। 2024 के एंड में इसका टैक्स है, पेट्रोल वेरिएंट है। इसका भी एक अच्छा प्राइस देते हैं आपको, 5,75,000। सो दोस्तों, दो दो छोटा हैचबैक फॉक्सवैगन का पोलो, सिल्वर ब्लैक, बिल्कुल स्पोर्टी लुक में भी है, ऑथेंटिक कॉर्पोरेट लुक में भी है। ये तो आपका बहुत डिमांडेड रहता है, हैचबैक में आपका बहुत ही डिमांड भी रहता है और बहुत ही पावरफुल गाड़ी भी है अपने कैटेगरी में और बहुत ही ट्रस्टेड गाड़ी है। राइट। 2014 का कम्फर्ट लाइन वेरियंट है, ये 2012 का कम्फर्ट लाइन वेरियंट है। दोनों ही डीजल, दोनों इंजन है आपका, दोनों का माइलेज आप जानते हैं बहुत ही अच्छा होता है। और गाड़ियाँ जैसे कि हमारे पास से कस्टमर लेंगे तो डेफिनेटली गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है। अब जैसे कि आज आप प्राइस बता आ जाते हैं, ये 2014 का गाड़ी 24 तक टैक्स, इसका प्राइसिंग है 2,90,000। गुड प्राइसिंग, जनरली 3 लाख के ऊपर ही आता है 2014 का। और ये वाला 2012 का गाड़ी है, 22 तक इसका भी रोड टैक्स पे किया हुआ है, कम्फर्ट लाइन वेरियंट है डीजल में। इसका भी एक बहुत रीजनेबल प्राइसिंग देते हैं आपको, 2,20,000 रुपये। We'll be right back.
सो दो दो पोलो के बाद दो दो बलिनो फिर से। नेक्सा का बलिनो है आपका, बहुत ही डिमांड में गाड़ी है। i20 और बलिनो का प्रीमियम सेगमेंट में, हैचबैक में बहुत डिमांड रहता है, प्राइसेस भी काफ़ी हाई रहती हैं और गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं, एक्चुअली अच्छी हैं। राइट, तो चलाने का भी मज़ा है, मारुति का ट्रस्ट फैक्टर है। एक आपका होने वाला है जेटा वेरिएंट पुश बटन के साथ, एक है आपका डेल्टा वेरिएंट, दोनों का ही दोनों ही 2016 का गाड़ी है। खाली प्राइस में फर्क आएगा, मॉडल का फर्क है, इसलिए बोलते हैं वेरिएंट का, दोनों का डिफरेंस है और शायद किलोमीटर का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। किलोमीटर का भी डिफरेंस है थोड़ा स्लाइटली, लेकिन आपका मेन है वेरिएंट में डिफरेंस है, इसलिए बोल के प्राइस में भी अच्छा खासा डिफरेंस होने वाला है। ये 2016 का जेटा वेरिएंट है, पुश बटन के साथ है, सारा फीचर लोडेड है, टॉप मोस्ट वेरिएंट। हाँ, इसका आपका हमारा आज का आस्किंग प्राइस होने वाला है 4,85,000। 16 का गाड़ी, हाँ, 8.5 से 9 लाख के करीब प्राइस है, नॉन फ्लोट मार्केट में भी 5 लाख के ऊपर ही प्राइस है। हम लोग 485 एकदम बेस्ट प्राइस आपको ऑफर कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेटिव के कस्टमर है उनको एक बहुत ही अच्छा डील है। टॉप मोस्ट वेरिएंट है, कीलेस एंट्री है, पुश स्टॉप बटन, अलॉय व्हील्स है, पावर विंडो, एबीएस, एबीडी, एयरबैग, सब कुछ है, रियर पार्किंग सेंसर्स है, रियर कैमरा है, सब कुछ, एवरीथिंग फीचर लोडेड। ये गाड़ी पे आ जाएंगे। ये आपका डेल्टा वेरिएंट है 2016 का, जैसा कि सेम कलर में ही है और काफ़ी अच्छा कलर है, ग्रे में दाग का जल्दी पता चलता नहीं है, और इसका भी प्रीमियम आपका जैसे इंटीरियर एकदम नीट एंड क्लीन है, गाड़ी भी कम ही चला हुआ है, सीट्स भी प्रीमियम क्वालिटी का लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ है। और जैसा कि ये डेल्टा वेरिएंट है बोल के आपका इसका हमारा आज का आस्किंग प्राइस देने वाला हूँ। ये 16 का गाड़ी है, इसका टैक्स अभी रिसेंटली फेल होगा, मतलब 10-15 दिन में फेल होने वाला है, तो जो भी कस्टमर लेता है इसको हम लोग टैक्स अपडेट करके देंगे 16 का गाड़ी 26 तक टैक्स करके 4,50,000 में इंक्लूडिंग टैक्स अप टू 26। और इसमें भी ऐसा नहीं कि फीचर नहीं आता है, काफी सारा फीचर इसमें भी आता है। मैं बोलना चाहूंगा इंटीग्रेटेड वर्ब वीएम्स में लाइट्स आ जाएगा आपको, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा। और बलिनो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है जी? बलिनो में आपको वेरिएंट लिखा नहीं होता पीछे, तो किसी को समझ में नहीं आएगा आप टॉप मोस्ट वेरिएंट चला रहे हो या मिड वेरिएंट चला रहे हो। सो दोस्तों, फियट का लिनिया, फियट ऐसा गाड़ी है जिसका इंजन मारुति भी यूज़ करता है। जितना सारा आप डिज़ायर देखते हो, बाकी गाड़ी देखते हो, उसमें फियट का ही इंजन यूज़ होता है। मेरा एक टाइम का काफ़ी फेवरेट गाड़ी था ये। नहीं, अच्छा गाड़ी है आपका, सक्सेसफुल, देखिए वही बात है ना, आदमी को जो प्रेफर करते हैं, जो ब्रांड बिकता है ज़्यादा उसमें आदमी भरोसा करते हैं। गाड़ी आप चलाइए, बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, बहुत अच्छा है, और जो रेंज में एक्चुअली इसका डिमांड नहीं होने के कारण प्लस पॉइंट है, कस्टमर्स को बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाता है। जैसे आपका ये है 2009 का वेरियंट है आपका, दो इसका लाइफ टाइम टैक्स पे किया हुआ है। टाइम के हिसाब से इसका जो लुक्स, एक्सटीरियर, बिल्ड क्वालिटी काफी एडवांस था। हाँ जी, अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है गाड़ी में, इंटीरियर भी, इसमें लेदर सीट भी डाला हुआ है, और गाड़ी में मोटा मोटी जितना फीचर्स है सब है। एक लंबा गाड़ी आपको बहुत रिजनेबल रेट पे मिल जाता है, 2009 का गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स पे किया हुआ, लाइफ टाइम टैक्स पे किया हुआ है आपका। इसका हमारा आज का आस्किंग प्राइस होने वाला है बहुत ही रिजनेबल, एकदम बेस्ट डील देते हैं, 1,65,000।
सो द बाप ऑफ एसयूवी एक्सयूवी 500। ये हमारा पहले भी था, गाड़ी बुक भी हो गया था, एकदम इंस्टेंट बुकिंग था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कस्टमर का लोन हुआ नहीं और उस टाइम पे बहुत कस्टमर गाड़ी को बुक करना चाहते थे जो कि मिस हो गया। बट ठीक है, अभी वापस से आ गया कस्टमर। तो दोस्तों अभी फिर से वापस से आ गया है, आप ये वीडियो देख रहे हो, लास्ट टाइम बुक करना चाहते थे, मिस हो चुका है, तो फिर से जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, बुक कर दीजिए। 2012 का गाड़ी है, XUV 500 WA, उस टाइम का टॉप वेरिएंट है, वाइट कलर में है, लाइफ टाइम टैक्स पेड है गाड़ी का, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 12 गाड़ी 22 में टैक्स होता है, तो आपका 90,000 के करीब टैक्स पे करना होता जो आपको नहीं पे करना। देखो मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा, ऐसा गाड़ी में जहाँ पे टैक्स इज काफ़ी एक्सपेंसिव, अराउंड 90,000 to 1 lakh रुपीज़ इसका टैक्स आता है, वो आपको फ्री में आ जाएगा जिंदगी भर तक। वेस्ट बंगाल में आप रहते हो, जिंदगी भर तक आपको टैक्स पेमेंट का कोई दरकार नहीं है, सिर्फ सीएफ करना है। प्राइस आपको देते हैं 12-22 वाला ही जो मैंने इससे पहले भी बेचा है, 5,40,000 में आपको ये XUV 500 12 का लाइफ टाइम टैक्स पेड मिल जाएगा। फैंटास्टिक। कौन सा वेरिएंट था ये? W8 था, उस टाइम का टॉप वेरिएंट। उस टाइम का टॉप वेरिएंट मतलब 16 लाख का गाड़ी इतना सस्ता में, वो भी लाइफ टाइम टैक्स 5,40,000 में लाइफ टाइम टैक्स दिया हुआ गाड़ी आपको मिल जाएगा। फैंटास्टिक डील। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अंकुर शाह, वन मोर प्रोप्राइटर ऑफ एमिनेंट मोटर्स। अंकुर जी स्वस्थ है, मस्त है ना? एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है। आप कैसे हैं ये बताइए। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो नमस्कार टू ऑल योर व्यूअर्स। तो फिर से एक बार आगे सबू जी के साथ और एक वीडियो लेके, तो और एक वीडियो नहीं लेके, वीडियो सेम है और एक लोकेशन पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो इस लोकेशन पे क्यों आए हैं? क्योंकि स्टॉक ज़्यादा है और अपने को स्टॉक क्लियरेंस करना है, और चैलेंजिंग से भी ऊपर प्राइस होने वाला है। माउथ वाटरिंग बोल लो आप या जो भी समझ पे पानी आ जाएगा, एकदम मुंह पे पानी आ जाएगा। दाम ऐसा दूंगा कि मतलब वीडियो आपको अपलोड होते ही विद इन 24 आवर्स फोन में ही बुकिंग हो जाएगा, और कुछ गाड़ी ऐसे भी निकल जाएगा। तो गाड़ी का भी जो कलेक्शन है सब मतलब आपका रनिंग आइटम है, ऐसा नहीं कि मतलब स्लो आइटम है, सब रनिंग आइटम है। जितनी भी गाड़ी आप देख सकते हो सारा के सारा एकदम रनिंग आइटम गाड़ी है। राइट तो काफ़ी सारा गाड़ी है, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और तो अंकुर जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक गाड़ी का डिटेलिंग आप बोलते जाओ। बिल्कुल, हम लोग जानते जाएंगे। तो पहले छोटे गाड़ी से शुरू करें। हाँ, पूरा स्विफ्ट से शुरू करेंगे। तो ये होने वाली है 2012 की स्विफ्ट VDI, स्विफ्ट VDI 2012 की। 22 तक इसकी रोड टैक्स पे की हुई है, 22 एंड में इसका टैक्स है। गाड़ी में आपको फीचर्स मिल जाएंगे, 4 पावर विंडो, AC पावर स्टेयरिंग, सेंट्रल लॉक, फॉग लैम्प, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर, OVRM। गाड़ी आप देख सकते हो ड्यूअल टोन में है, रूफ इसका ब्लैक है, इंटीरियर वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन है। और स्विफ्ट के लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्विफ्ट जिसको चाहिए होता है वो स्विफ्ट ही चाहिए होता है, और कोई दूसरे गाड़ी में कन्वर्ट होते नहीं है। तो आप भी सबूत जी बहुत सारा वीडियो बनाए होंगे स्विफ्ट गाड़ी के ऊपर, तो आप बताओ क्या प्राइस होना चाहिए। डीजल वेरिएंट है, 2012 की गाड़ी है, 22 तक टैक्स है, VDI वेरिएंट है गाड़ी। डेफिनेटली, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये डुअल टोन में है, ऊपर ब्लैक है, रूफ ब्लैक है, नीचे रेड है। जब ये पॉलिशिंग हो जाएगा गाड़ी एकदम फैंटास्टिक लगेगा, टक लगेगा।
और माउथ वाटरिंग प्राइस में आज अपने को देना है। तो देखिए नॉर्मली बाकी बाहर पे डीलरशिप बेचते हैं इसको अराउंड 275-280 डीजल गाड़ी है 2012 का। इजीली आपको 270-280 में 12 की स्विफ्ट वीडिया ये डीजल गाड़ी आपको मिल जाएगी। लेकिन आज जो अपने को माउथ वाटरिंग प्राइस देना है और चैलेंजिंग के भी ऊपर जाना है और जो कोई नहीं दे पाएगा वही एमिनेंट मोटर्स ही देगा, तो इसका प्राइस होने वाला है ओनली 265,000। ओके वेरी गुड, मतलब 10-15,000 पहले से हर गाड़ी में 10-15,000 डिस्काउंट है और आज हमारा जो प्राइस भी होने वाला है। मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा स्विफ्ट में, क्योंकि इसका रीसेल वैल्यू एकदम जबरदस्त होता है और गाड़ी के मार्केट में, तो इसके लिए 15,000 का भी डिस्काउंट काफी मायने रखता है, मायने रखता है। हम लोग भी जिससे लेके आते हैं उसको भी हम लोग को ठीक ठाक प्राइस पे करना पड़ता है, नहीं तो वो गाड़ी मुझे नहीं देगा। तो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आ जाएंगे और गाड़ी देखते हैं अपना, मारुति का ओमनी है, 7-सीटर गाड़ी है और ये बहुत ही करेंट है, 2017 एंड की गाड़ी है। ये गाड़ी आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम नीट एंड क्लीन है, सिल्वर कलर की गाड़ी है, गाड़ी में नया सीट कवर डाला हुआ है, स्टेयरिंग कवर डाला हुआ है, गाड़ी 40,000 के लमसम चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। गाड़ी में कुछ भी आपको सिंगल वर्क नहीं करना है, सिंगल पेनी नहीं पे करना है गाड़ी के ऊपर, सिर्फ आप आओ फ्यूल फिल करो और गाड़ी चलाओ। आउटर कंडीशन तो मैं एकदम चकाचक देख पा रहा हूं, इंटीरियर भी आप देख सकते हो, आउटर में देख सकते हो, मैकेनिकल भी एकदम फुल टाइट आप देख सकते हो, बम्पर वगैरह एकदम ब्रांड न्यू है, स्क्रैचलेस है, आपका व्हील कैप लगा हुआ है, रेन गार्ड डोर वाइजर लगा हुआ है, फिल्म लगा हुआ है, नया स्टीयरिंग कवर सीट कवर सारा कुछ लगा हुआ है, टॉप टू बॉटम अप टू डेट गाड़ी है। डिटेलिंग और प्राइसिंग पे आ जाएंगे, ये 2017 की गाड़ी है तो इसका 5 साल रोड टैक्स है, मतलब आपका 23 तक इसका रोड टैक्स दिया हुआ है, इंश्योरेंस भी वैलिड है, स्पेयर की आपको मिल जाएंगे इसमें, सीट कवर वगैरह सब कुछ नया डाला हुआ है। गाड़ी का प्राइस में आ जाते हैं तो देखिए 17 का गाड़ी है, ओमनी मारुति की गाड़ी है, तो बाज़ार में आप देखिएगा 2 लाख प्लस ही प्राइस सब कोई मांगते हैं, तो हम लोग 2 लाख प्लस नहीं मांगेंगे, 2 लाख ही मांगेंगे, ओनली 199। कैसा रहेगा ये प्राइस? फैंटास्टिक प्राइस, आई थिंक द कंडीशन इज आल्सो वेरी परफेक्ट, वेरी 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 परफेक्ट। ओमनी मिल तो जाता है पर इतना अच्छा कंडीशन पे मिलना बहुत मुश्किल है। ओमनी में आपको मिलेगा ओमनी और इको टेक, खास बात क्या होता है काफी पुराना मिलता है, 11-12 की आपको मिलेगी, 17-18 की ओमनी जल्दी मिलती नहीं है, मिलता है। और जो 11-12 की ओमनी होती है उसमें आप देखिएगा उसका बूट फ्लोर आपका रस्टेड हो जाता है, आप ये गाड़ी आइए देखिए टेस्ट ड्राइव लीजिए, गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। चौदह की गाड़ी है, 24 तक रोड टैक्स पे की हुई है, 2.5 GX वेरिएंट है, इसमें आपको AC पावर स्टीयरिंग, डुअल AC कंपनी फिटेड, म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन, गाड़ी आप देख सकते हो वाइट कलर में और ये 7-सीटर में ये कार है। अगर किसी को 8-सीटर का भी ऑप्शन चाहिए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 7-सीटर गाड़ी एक्चुअली बहुत डिमांड में रहती है क्योंकि इसमें कैप्टन सीट्स आते हैं, जैसे आप फ्लाइट में देखोगे कैप्टन सीट्स आती है, वैसे इसकी बीच वाली सीट्स कैप्टन सीट्स रहती है, तो ये क्या पीछे के रो में जाने आने के लिए आपको पैसेज मिल जाता है, होता है। बहुत कंफर्टेबल रहता है। आप किसी का भी ब्लॉग देख लो, OLX देख लो, YouTube देख लो, 8 लाख के प्लस इसका प्राइस है, लेकिन मेरा प्राइस वैसा नहीं है भैया,
अपना सपना यही है कि सबके घर में एक गाड़ी होना चाहिए और पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी होना चाहिए, मैकेनिकली टाइट होना चाहिए गाड़ी, गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो भी अगर हो तो गाड़ी टाइट होनी चाहिए, गाड़ी का पेपर्स अप टू डेट होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसे लेके आपको कभी भी गाड़ी लेके गैरेज में जाना ना पड़े कोई भी मेजर काम के लिए। देखिए यूज कार है, माइनर काम हो ही सकता है, कभी बल्ब कट गया या इंजन ऑयल वगैरह चेंज कराना है, ब्रेक वगैरह सर्विस कराना है, सस्पेंशन करवाना है, वो हर एक गाड़ी में रहेगा। आप न्यू गाड़ी भी लोगे, आप उसको मेंटेनेंस नहीं करोगे तो उसमें भी मेंटेनेंस निकलेगा। तो गाड़ी आपकी अच्छी है, गाड़ी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आओ टेस्ट ड्राइव लो, उसके बाद फाइनलाइज करो। कोई अगर बाहर में है, दूर में है, नहीं आ सक रहे हैं, ओवर द फ़ोन भी हम लोग बुकिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक जगह की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ चाहिए, आप हमें रिक्वेस्ट करें, हम बना के उसे फॉरवर्ड भी कर देंगे। और नेम ट्रांसफ़र हमारे यहाँ मैंडेटरी है, तो नेम ट्रांसफ़र के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी गाड़ी है यहाँ पे पेपर पूरा अप टू डेट होती है तभी हम लोग गाड़ी उठाते हैं। अगर कोई गाड़ी में टैक्स वगैरह ड्यू है तो वो भी हम लोग पे करके देते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। और कुछ भी चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अगर इंक्वायरी हो, कोई भी कॉल हो, आप प्लीज़ हम लोग को फ़ोन करके पूछिए। तो इसका प्राइस आपको बता देते हैं, 14 की गाड़ी, 24 तक रोड टैक्स पे की हुई, 2.5G, गाड़ी में सारा फीचर्स है, फुल्ली लोडेड गाड़ी है। लोग पता नहीं जाने क्या क्या मांग रहे हैं, 7.5 लाख, 8 लाख, 7 लाख 80, उतना मेरे को नहीं देना है, मेरे को सिर्फ ये गाड़ी का प्राइस चाहिए 7,25,000 रुपया। गाड़ी अच्छे से देख लो, सोचने वाला प्राइस है, वाइट कलर की इनोवा, क्योंकि नया गाड़ी जब इसका ऑन टेबल थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका नाम लेंगे तो वो तो करते ही हैं हम लोग, पर आगे भी करेंगे। फैंटास्टिक, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स के थ्रू हम लोग का भी बिजनेस चल रहा है, आपका भी चैनल प्रमोट हो रहा है, तो आपके लिए हम लोग को भी करना अच्छा लगता है। अगर कोई देख के वीडियो देख के आते हैं तो आइए ऑन द टेबल, उसमें भी और कुछ गुंजाइश कर लेंगे, लेकिन सिर्फ वो ऑन द टेबल है जब आप डील फाइनलाइज करोगे। एग्जैक्ट, ओवर द फोन प्लीज़ बार्गेनिंग मत करिए, गाड़ी पसंद है आइए देखिए, उसके बाद जो बोलना है बोलिए। तो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं, एक होंडा सिटी। यस, अभी MPV से डायरेक्ट सिडान पे आ जाएंगे हम लोग, तो एक लाल कलर का सिटी में देख पा रहा हूँ। ये फुल्ली टॉप मॉडल गाड़ी है, 2014 की गाड़ी है, 24 तक इसका रोड टैक्स पे किया हुआ है, डीजल वेरिएंट में ये गाड़ी है, VX मॉडल है, विथ सनरूफ, पुश स्टार्ट, गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चली हुई है, 50,000 के लमसम चली हुई है, फर्स्ट ओनर कार है ये गाड़ी, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी है, टायर वगैरह सब कुछ ब्रांड न्यू है, आपको सिटी में ही ये माइलेज दे देगी 14-15 की विथ AC। ये 14 की गाड़ी आपको नेक्स्ट 4 साल तक टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, 24 तक टैक्स पे किया हुआ है, नेम इसकी प्राइस रही थी कल से 15-15। सनरूफ है इसमें, सनरूफ है, पुश स्टार्ट है, डीजल है, क्लाइमेट कंट्रोल AC है, स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम विथ नेविगेशन, ABS, CBD, एयरबैग, फॉग लैंप, अलॉय व्हील्स, फीचर्स बताने जाऊंगा तो मतलब खत्म नहीं है, एवरीथिंग इट हैज, एकदम फुल्ली लोडेड कार है, और 4 साल तक आप इसको उसका टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। नई में इसकी प्राइस थी 15-15 लाख के आसपास थी, आपको भी पता है, व्यूअर्स को भी पता है, तो आपको उतना भी पे नहीं करना है, उसका आधा भी पे नहीं करना है, आपको 50% भी पे नहीं करना है, सिर्फ 25% पे करना है, ओनली 5,25,000 रुपये में, सोचने वाला दाम है भैया, जल्दी आओ नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी, वीडियो अपलोड होते ही तुरंत कॉल करें। दोस्तों
भाइयों बहनों, एक टाइम पे फिएट करता था फिर फोर्ड ने करने लगा। आज मारुति के जितनी भी गाड़ी में डीजल इंजन है सारा प्रोवाइड करता है फोर्ड, नॉट पेट्रोल इंजन बट डीजल इंजन, याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, ओनली डीजल इंजन फोर्ड सप्लाई करता है मारुति को, क्योंकि फोर्ड की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छी है। इसका गाड़ी या फोर्ड का गाड़ी एक बार अगर आप चला लोगे, इतना पावर, इतना अच्छा बीएचपी, इतना अच्छा टॉर्क, टॉर्क बीएचपी इतना बढ़िया है, ये गाड़ी का दमदार गाड़ी है। और अभी तो स्टाइलिश भी हो गया है, अभी बहुत स्टाइलिश हो गया है फोर्ड का, सामने से अंदर से और सब फीचर दे दिया फोर्ड ने ना। अभी 2015 की गाड़ी है, इसका टैक्स आपको पे करके देंगे 2025 तक। ओके, आज आप 15 की पे करके दोगे तो अब तो प्राइस तो ज्यादा ले लोगे, फायदा क्या है कस्टमर को? टैक्स मैं आपको ऐड करके बोलूं या विदाउट ऐड करके बोलूं? अब ऐड करके बोलो, बट माउंट वाटरिंग प्राइस में बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। आप यूजुअली बाजार में देखोगे, ये फोर्ड की गाड़ी डिटेल मैं आपको बता दूं, फोर्ड एस्पायर ट्रेंड मॉडल है, ये डीजल गाड़ी है, 2015 की गाड़ी, लमसम आपका 40,000 चली हुई है। गाड़ी में सारा फीचर है, फोर्ड पावर विंडो से स्टार्ट करके सेंट्रल लॉक, इलेक्ट्रिकली OVRS, इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, बाकी सारा फीचर है इसमें। इसका प्राइस आपको पे करना है, 5 साल रोड टैक्स मैं पे करके दूंगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं देना है, ओनली 3,45,000 रुपये में। क्या बात कर रहे हो, पूरा 1,00,000 रुपये का सीधा फायदा, 2015 का 25 टैक्स 5 साल करके। आई कैन से, आप हाँ या ना बोलो, 2014 का i20 आज के डेट पे 3.5 लाख से नीचे कोई नहीं छोड़ता है, 3.5 लाख एस्टा या स्पोर्ट्स मॉडल हो जाएगा तो आपका टॉप एंड वेरिएंट हो गया, और थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है। 14-24 i20 देखोगे तो आपको 4 लाख की पहुंच जाएगा गाड़ी, स्पोर्ट्स भी है क्यों ना हो, अगर एस्टा हो तो 4+ हो जाएगा। तो ये सही में माउथ वाटरिंग प्राइस तो हो ही गया, और मैं क्या बोलूं। इसके बाद ये एक ही टाइप का गाड़ी है, मैं देख पा रहा हूँ बिल्ड इन टाइप का गाड़ी है, लेकिन रेंज में भी बहुत फर्क हो जाएगा। इसमें आपको फीचर्स सारे मिल जाएंगे, 4 पावर विंडो, एसी पावर स्टीयरिंग, डुअल एसी, फॉग लैंप वगैरह, अलॉय व्हील वगैरह, एवरीथिंग इज लोडेड इन दिस कार। और प्राइस भी बहुत अच्छा होने वाला है, एकदम मस्त होना चाहिए, एकदम मस्त होगा और स्वस्थ भी प्राइस होगा। तो क्या होना चाहिए आप ही बताइए, इतनी बड़ी गाड़ी। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आप इसको 370-380 या 360। नहीं नहीं भैया, कहाँ चले गए आप, कहाँ चले ऐसा गए? मार्केट में बिकता है ना? नहीं मैं तो बोला मुझे मार्केट का प्राइस, देखिए मार्केट के ऊपर भी है ये। मैं देखा हूँ ये प्राइस अराउंड 4,390 पे बिकता है ये गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही देखे हैं, वही दाम में ये बिकता भी है, लेकिन हमारे पास आए हैं आपको उतना पे करने की जरूरत नहीं है। हमारा हर गाड़ी में जिस हिसाब से जो गाड़ी का रिक्वायरमेंट है, 10,000, 20,000, 25,000 सब गाड़ी में हमारा डिस्काउंट है। तो एक काम कीजिए, इसका जो प्राइस था इसका हाफ कर दीजिए, इसको 3,25 कर देते हैं, तो हाफ से भी कम हो गया। और बोलिए, 3.5 भी नहीं चाहिए हमें, 3,25 चाहिए। अरे हमें 5-10 हज़ार ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बस बस सही में आज का ब्लॉग में तो माउथ वाटरिंग प्राइस ही हो गया, मुँह पे पानी ही आ गया। Thank you.
सो हर एक डीलरशिप का कुछ ब्रांड इमेज होता है कि ये गाड़ी ही वो लोग माने ये एक स्पेसिफिक ब्रांड का गाड़ी वो डीलरशिप में ज़्यादा मिलता है जी, जी. तो आपका डीलरशिप में मेरे ख्याल से टोयोटा गाड़ी हमेशा अवेलेबल होता है. हर ही गाड़ी रखते हैं. टोयोटा का एक्चुअली एक अलग फैक्टर है क्योंकि बहुत जल्दी सेल आउट भी होता है और कस्टमर जल्दी मिलता भी नहीं. नॉनसेंस कार है ये एकदम एकदम आपका बहुत भरोसा. लास्ट टाइम आपका मैंने एक कोरोला दिखाया था वो दुबई में कस्टमर ने देख के वहां से उन्होंने बुकिंग किया कॉल करके और यहां पे उनके रिलेटिव ने डिलीवरी लिया गाड़ी त्रिपुरा चला गया है. बट वही है कि आज के डेट में नेटवर्किंग की वजह से कहां से कहां गाड़ी चला जा रहा है. दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा एडवाइस होगा टोयोटा का गाड़ी एक बार लेके देखिए क्योंकि क्या अच्छा होता है यूएसपी. मारुति हुंडई से सस्ता में गाड़ी मिल जाएगा. टोयोटा का ब्रांड वैल्यू इज अमेजिंग. इसका इंजन क्वालिटी इज अमेजिंग. साल में सिर्फ आपको एक बार सर्विस करना होगा, एक बार सिर्फ. फीचर्स है, लग्जरी है, प्रीमियम गाड़ी है. आपका कोरोला ऑल्टिस का तो बहुत मजा आएगा. इट्स अ नो नॉनसेंस कार. आपको ट्रबल नहीं देगा ये गाड़ी. मैं बोल सकता हूँ प्रीमियम सेगमेंट सेडान हो जाता है दोनों. एक आपका देने वाला दो गाड़ी, एक आपका 12 का है ओल्ड शेप में, एक 15 का है न्यू शेप में. तो दोनों ही मजा आया कस्टमर को भी लेने में. ये आपका 2012 का गाड़ी है जैसा लास्ट टाइम सिल्वर वाला था. 22 तक इसका रोड टैक्स पेड है. गाड़ी ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं, एकदम खूबसूरत नीट एंड क्लीन गाड़ी है. बहुत अच्छा लग रहा है. और दोनों ही डीजल गाड़ी है जो कि जल्दी मिलता नहीं है ऑल्टिस में. सो काफी सारा फीचर्स भी है. अलॉय व्हील्स से इंटीग्रेटेड, लाइट्स है वर वीएम पे, म्यूजिक कंट्रोल्स पूरा कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कंट्रोल्स मिल जाएगा, स्टीयरिंग पे ऑडियो कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, 6-speed गाड़ी है, आई थिंक एयरबैग्स भी है, बिल्कुल सब कुछ है. 12 का प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी है आज और बहुत ही रीजनेबल रेट में आज मिल जा रहा है सब गाड़ी क्योंकि कस्टमर को नहीं मालूम है कि क्या क्वालिटी की होती है. एग्जैक्टली 2012 की कोरोला ऑल्टिस जी डीजल 22 तक इसका रोड टैक्स पे किया हुआ है एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में. 3,50,000 ओनली. 3,50,000. दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट होगा आप एक बार आके टेस्ट ड्राइव लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा गूगल में जाके रिसर्च कर लीजिए. जो गाड़ी जानते हैं उनको मालूम है कि क्या कोरोला का ये है. कोरोला ऑल्टिस वर्ल्ड वाइड बिकता है गाड़ी, बहुत ही फेमस गाड़ी. एंड दिस इज अ प्रीमियम सेडान, नॉर्मल सेडान है नहीं. दिस इज अ प्रीमियम एग्जीक्यूटिव सेडान. HODs, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट में ये गाड़ी यूज होता है. तो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ हम लोग आ जाएंगे. दिस इज द न्यू शेप. गाड़ी अभी प्रोक्योर हुआ है, पॉलिश हो रहा है, पॉलिशिंग काम चालू. आप देख पा रहे हो ये नया डिजाइन का भी हेडलाइट्स आएगा. पूरा डिजाइन भी काफी खूबसूरत है ये गाड़ी का. ये गाड़ी में तो और भी ज्यादा फीचर रिच ये लोग बना चुका था. और ये दोनों गाड़ी का मेनली दिस आर द शॉफर ड्रिवेन कार, मतलब आप आराम से भी सीट पे बैठोगे. बहुत रिलैक्स पेस है इसका, बहुत मजा चला के. 100 किलोमीटर भी ये गाड़ी में चल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलरेडी बताता हूँ, एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ. ये गाड़ी मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी है. ओके तो पेपर वर्क तो पूरा उन्होंने करके दिया. नेक्स्ट डे मैं खुद चला रहा था गाड़ी. आई डोंट नो कैसे गाड़ी 100 का स्पीड एक्चुअली क्रॉस कर गया जो केस आ गया. सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन किया, बोला अभी इंस्टेंटली मिटाइए मेरा गाड़ी वापस दीजिए. उसके बाद से गाड़ी खड़ी पॉलिश में खड़ी हुई है, एकदम आवाज़ नहीं है. डीजल इंजन होने के बावजूद गाड़ी में एकदम आवाज़ नहीं है, पता ही नहीं चलता गाड़ी कैसे पिकअप ले रहा है. एकदम ब्यूटीफुल कार. देखिए मनीष जी, मेरा काम हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ मैं ब्लॉग में गाड़ी मत दिखाऊँ, थोड़ा सा नॉलेज भी शेयर जी. बिल्कुल, मैं भी कस्टमर्स को, हमारे पास बहुत कस्टमर आते हैं तो मैं पर्सनली कस्टमर्स को डील करना भी पसंद करता हूँ. इसीलिए नॉर्मली जो कस्टमर से एक रिलेशन बनता है मेरा बहुत अच्छा है हर कस्टमर के साथ, क्योंकि स्टाफ तो हमेशा रहते ही हैं लेकिन साथ में जो आगे का डिटेलिंग वगैरह हुआ या उनके डाउट्स क्लियर करना हो मैं खुद ट्राई करता हूँ हेल्प करने का. तो हम लोग खुद प्रीफर करते हैं कस्टमर को एडुकेट करें कि क्या ले रहे हैं वो, उसका वर्थ क्या है. बहुत से कस्टमर्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो उनको वो बुकिंग करते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं लेना है, उससे क्या उनका भी टाइम हैम्पर होता है, हमारा भी टाइम हैम्पर होता है. कोई गाड़ी बुक हो जाता है फिर नहीं होता है तो हमें वापस से उसको ये क्या बोलते हैं वापस से सेल आउट करने के लिए फिर से डालो ऐड करो. तो हम लोग को भी वेस्ट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पर बहुत कस्टमर उस गाड़ी को लेने के लिए एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं. तो आप लोग माइंड बनाइए क्या गाड़ी लेना है, प्राइसेस, क्वालिटी, सब फैक्टर चेक करिए. एक फैक्टर से खाली प्राइसेस से गाड़ी नहीं बिकता है. राइट आप सब चीज़ कंपेयर करिए,
आपको क्या आपका रिक्वायरमेंट है, क्या तरह का गाड़ी आप प्रिफर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो? देखिए एक ही चीज मैं बोलूंगा, गाड़ी लेने के बाद परेशानी उठाना नहीं होना चाहिए, आपको हेडेक नहीं होना चाहिए, एकदम उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। हमारे पास चाहे गाड़ियां हो उसके लिए बेफिक्र रहिए, आफ्टर सेल सर्विस हो उसके लिए बेफिक्र रहिए, गाड़ी के पेपर वर्क हो उसके लिए बेफिक्र रहिए। हर तरह का आपको जो भी मिलेगा एकदम ट्रांसपेरेंट डील मिलेगा, आपको हर चीज बता के मिलेगा क्या है नहीं है। और मैं वीडियो में ही हर चीज मेंशन कर देता हूँ कि क्या टैक्स फेल है, होने वाला है, होगा, सब ऑलमोस्ट मैं करता, लेकिन वीडियो में हर चीज नहीं हो पाता है। तो आइए टेस्ट ड्राइव करिए, उसके बाद हम लोग जरूर डेफिनेटली बात करेंगे गाड़ी के बारे में, आपके जो नेसेसिटीज है उनके बारे में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाड़ी देंगे। सो मनीष जी, ये गाड़ी का डिटेलिंग पे आ जाएंगे। 2015 का गाड़ी है, कोरोला ऑल्टिस डीजल, ये भी डीजल वेरिएंट है। 25 तक इसका रोड टैक्स पेड है, प्रीमियम सेडान है, इसका भी टैक्स वैल्यू बहुत हाई रहता है, उसका भी टैक्स पेड है। नया लुक में गाड़ी है, आपका गाड़ी भी अराउंड 56,000 चला हुआ है, थ्रू एंड थ्रू कंपनी मेंटेन। गाड़ी आपका रिसेंटली 10-15 दिन पहले ही सर्विस हुआ है 56,000 पे। और मैजिस्ट्रेट साहब का गाड़ी था तो वेरी वेल मेंटेन होगा। एब्सोल्युटली, और बहुत मतलब हर एक पेपर एकदम डॉट टू डॉट मेंटेन किया हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत ही अच्छा गाड़ी है, मैं इतना फेवरेट था नहीं कभी, प्यार आ गया है, मेरे को प्यार आ गया चला के गाड़ी। सो प्राइसिंग पे आ जाएंगे, एक प्राइसिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए। देखिए हर चीज करेक्ट करने के लिए मेरा भी लिमिटेशन होता है, क्योंकि गाड़ी एक्चुअली अच्छी है, एक बहुत अच्छे रेट में देते हैं आपको 7,90,000। और इसका नया वाला प्राइसिंग भी बता दीजिए। हमें तो कोरोला ऑल्टिस का प्राइस 20 लाख के करीब है, और डीजल 21 लाख का आता है ये प्राइस। आप ऑनलाइन भी चेक करोगे तो जितने भी गाड़ियां हैं मोस्टली आपको पेट्रोल में मिलेगी, डीजल में नहीं मिल रही है, क्योंकि डीजल इसका बहुत ही डिमांड में है और जल्दी अवेलेबल होता भी नहीं है। 22-23 का माइलेज देगा शहर में सिर्फ। एब्सोल्युटली, एकदम लग्जरी गाड़ी है, मतलब क्या बोलूं, चला के मजा। सर आप गलत बोले हो, लग्जरी के साथ माइलेज नहीं मिलता है, ये गाड़ी लग्जरी भी देगा, माइलेज भी देगा, और एक जो इज्जत है वो तो देता ही है। Exactly. सिंपल, बहुत मतलब एलिगेंट रॉयल गाड़ी है। क्या है, एक लग्जरी गाड़ी लेंगे उसका माइलेज नहीं मिलेगा। नहीं, माइलेज भी है, वंस इन अ ईयर मेंटेनेंस है गाड़ी में, और क्या चाहिए कस्टमर को। आप कोई भी गाड़ी तो साल में एक बार तो मेंटेनेंस करा ही है। फॉर मनी, दिस इज वन ऑफ द वैल्यू फॉर मनी कार। आप कोई भी गाड़ी लो, आप कोई भी, आप मारुति का लो, सुजुकी का लो, आप क्या बोलते हैं हुंडई का लो, होंडा का लो, टोयोटा का लो, साल में एक बार सर्विसिंग आपको कराना ही पड़ेगा। देखिए सर, बाकी गाड़ी में दो बार कराना होता है, बल्कि इसमें क्या है, को भी पता है, टोयोटा में एक बार, इनमें नहीं चाहिए, इनमें वॉक्सवैगन का गाड़ी में एक ही बार, एक ही बार है, साल में एक बार काफी है। गाड़ी आप वो भी एकदम बेसिक सर्विसिंग आपका जरूरत है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और डीजल में इस गाड़ी का एक्चुअली जो आदमी बहुत सारे डीजल गाड़ी लेने में डरते भी है कि इंजन वगैरह को लेकर, टोयोटा का गाड़ी में मेरा एश्योरेंस है, आप गाड़ी लो, कोई इंजन प्रॉब्लम नहीं आता है कभी भी। गाड़ी 20-20 साल लग के आदमी चला सकता है गाड़ी, इतना पावरफुल इंजन होता है और बहुत हाई क्वालिटी इंजन क्वालिटी होता है इसका बिल्ड। सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान देने की कोशिश की है, इट्स नॉट अबाउट ज्ञान, इट्स अबाउट शेयरिंग द नॉलेज टू यू, एडुकेट करना कस्टमर को भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो बहुत जगह आप लोग बोलते हो कि ज़्यादा बात होता है, ये होता है, अरे गाड़ी दिखाएंगे तो बात नहीं करेंगे, नॉलेज शेयर नहीं करेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा। मुझे पता है कि आप लोगों में कई सारे हो जिनके पास नॉलेज है, बट काफ़ी सारे कस्टमर्स या व्यूअर्स ऐसे भी है जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी हमारे लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको एडुकेट करो। ऐसा नहीं कि गाड़ी सिर्फ पिक्चर दिखा के घुमा के बोल दिया, खत्म कर दिया, बस नहीं, उस हिसाब से नहीं, क्वालिटी कस्टमर्स को एक्चुअली इस टाइप के वीडियो ज्यादा पसंद आते हैं जिनमें उनको भी कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और उनको एक्चुअली पूरे डिटेलिंग में गाड़ी के मिलता है, वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। अब जो देखने के लिए देखते हैं उनको क्या है कि खाली टाइम पास के लिए देखना है। सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, बोल के फायदा नहीं है, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हो उनका, उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट होगा घंटी को थोड़ा सा दबा देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों इजाजत चाहेंगे हम दोनों, प्लीज मेरा भी रिक्वेस्ट है इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करें, और हमें भी फॉलो करते रहें। इंस्टाग्राम पेज है हमारा, फेसबुक पेज है, नए स्टॉकिंग हमेशा अपडेट होते रहती हैं। तो अगर आप अभी जो वीडियो दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी हमारे स्टॉक में और भी बहुत गाड़ियाँ हैं, वो टाइम और स्पेस के वजह से हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। Exactly. आप प्लीज़ डू फॉलो करिए, आपको हमेशा नया स्टॉक मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा,
और चलिए ख्याल रखिए अपना। इनका फेसबुक पेज का आईडी और गूगल मैप मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमेशा दिया होता है, आप जाके चेक कर सकते हो। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक ब्लॉग में जल्दी ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।